एक्सीडेंट हो गया है। मर्डर बंद, मर्डर हुआ यहाँ पे सामने। तो है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आपका भाई फिलहाल मस्त है, अपने कामों में व्यस्त है। तो आज है धनतेरस, तो सबसे पहले आप सभी को हमारे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस। और आज मैं क्या खरीदने वाला हूँ वो तो पता नहीं, वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं हूँ हजारी बाग में, और पूरा रूम क्लीन कर दिया हूँ और इधर पूजा भी कर दिया हूँ। फिलहाल सोनू अभी रूम में नहीं है, तो अभी मैं सिंगल रूम में, और मेरा हेयर देखकर पता चल ही गया होगा आप सभी को मैंने हेयर में क्या किया है। फिलहाल अब यहाँ से चलेंगे, और आज शॉपिंग करना है, पता नहीं क्या क्या करेंगे वो तो आगे पता चलेगा, क्योंकि आज है धनतेरस। तो धनतेरस के दिन आज हर हिंदू के घर में एक झाड़ू लेते हैं, और उसके अलावा और बहुत सारा फ्रिज, गोदरेज, एवरीथिंग, हर एक चीज़ खरीदते हैं, अपने घर में लाते हैं, और लक्ष्मी माता का चांदी का सिक्का भी अपने घर में रखते हैं। और आज हर घर में पूजा होगा, दीप जलेगा, और दीपावली तो कल नहीं परसों है, और शायद कल है जम के दिया और आज है धनतेरस। तो आज हजारीबाग का माहौल पूरा खतरनाक रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हेयर का कटिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद फिर घर भी जाना है। आज है मंगलवार, तो आज है मेरा फास्टिंग, और इधर किचन रूम में कुछ बना नहीं है क्योंकि आज है मेरा फास्टिंग, तो आज खाना बनाएंगे नहीं। फिलहाल सोनू अपने हाथ से बना लेगा। अब चलते हैं सीधे हेयर कटिंग करवाने। हेयर कटिंग के लिए सैलून आ गया हूँ, और फटाफट हेयर कटिंग होता है क्योंकि आज दूसरा दिन आया हूँ। और हेयर कटिंग करने के बाद फिर बाल को वॉश होता है, वॉश कराने के बाद 2 से 3 घंटा मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे हेयर कटिंग हो जाता है। आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा हेयर कटिंग स्टाइल कैसा लगा, उसके बाद फिर रील बनाता हूँ। तो आज है धनतेरस, और अभी बाल कटिंग करा के अभी जा रहा हूँ घर की ओर, रूम जा रहा हूँ, रूम से जाएंगे फिर घर। और आज का माहौल कुछ इस तरह है, बहुत भीड़ है, तो आगे बंद है रास्ता, पता नहीं एक्सीडेंट हो गया है। मर्डर बंद, मर्डर हुआ यहाँ पे सामने। वो बोल रहे थे कि पेट में गोली लगी है, पता नहीं किसने मारा है। अरे पूरा भीड़ है, अरे पीछे 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 हुआ है। हजारीबाग सिटी से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि आज था धनतेरस। धनतेरस के शुभ अवसर पर जितने भी हिंदू हैं सभी मार्केट की ओर निकले हुए हैं, हर किसी के हाथ में झाड़ू देखेंगे, और क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी के प्रतीक है। और हम लोग 1 से 2 घंटा मेहनत करने के बाद फाइनली भीड़ से बाहर निकलते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा रूम। फाइनली गाइस आ चुका हूं रूम, और रूम आने में ना कम से कम आधा से पौन घंटा लग गया, काफ़ी जाम था क्योंकि आज था धनतेरस। सभी अपने अपने घर से निकले थे मार्केट की ओर झाड़ू लेने के लिए, और आज ना कुछ कांड हो गया है झंडा चौक में, पुलिस लगे हुए थे, और वहाँ के जो हम लोग उधर से ही निकल रहे थे आ रहे थे रूम, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दिया गया था पुलिस की ओर से। और जब मैं घूर रहा था तो तभी 2 बजे जो बोले कि किसी ने गोली मार दिया पेट में, शायद आप सभी को पिछला कुछ सेकेंड के लिए देखे सुने भी होंगे, अगर ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो पेट में गोली मार दी। पता नहीं सच क्या है, वो तो कल न्यूज़ में पता चल ही जाएगा, या फिर कुछ और लफड़ा है। फिलहाल जो भी हो बस भगवान से दुआ करूँ अच्छा जो भी हो, मतलब कि किसी का बुरा ना हुआ हो। और फिलहाल अब यहाँ से निकलेंगे घर, और मेरा हेयर कटिंग हो गया है, और कुछ इस तरह लुक है, लेकिन इसमें 2 लुक है। वो तो कैसे बताएं, इधर छोटा है ना, ये बाल छोटा है और इधर भी छोटा है, है ना, इसे 2 लुक बनाया हूँ, और काफ़ी 2 दिन लगा, 2 दिन के बाद मेरा फाइनली बाल कुछ इस तरह, बाल बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगा, काफ़ी महंगा पड़ा। खैर सबका अपना अपना मत है। तो अब यहाँ से सीधे घर के लिए निकलेंगे, घर जाने से पहले अपना जींस ले लेंगे जो मैं कल लिया था, 2 जींस लिया हूँ। ये दोनों पड़ा 1540 रुपये का, ज़्यादा मैं महंगा नहीं पहनता हूँ, उतना औकात नहीं है। और चार्जिंग ले लेता हूँ, आईफोन का चार्जिंग ले लूँगा, और ये तो प्रोडक्ट है बाल लगाने के लिए, और ये भी लिया हूँ सीरम, ये बाल लगाने वाला है, इससे भी लगा लूँगा। अब निकलेंगे सीधे घर की ओर, और घर जाने के बाद आज है मंगलवार, तो घर अपना रूम में सफाई भी करना है, और आज है धनतेरस, तो
तो कुछ लेना भी है, क्या लेंगे वो तो आगे पता चलेगा, फिलहाल चलते हैं सीधे घर की ओर। शाम को बज चुका है 4:30 और जस्ट अभी रूम आया हूँ, अभी पोछा लगा दिया हूँ क्योंकि आज धनतेरस है, इसलिए पूरा पोछा लगा दिया बाहर तक। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी घर में कुछ भी नहीं है, अगर सब्जी नहीं लेंगे तो खाना बनेगा क्या। तो चलते हैं सबसे पहले मार्केट और सब्जी लेते हैं, और कुछ और लेना है क्या लेना है वो तो आगे पता चलेगा, ठीक है। आज है देवता की दिया और कल है दीपावली, तो सबसे पहले हमारे घर में जितने भी देवी देवता हैं उनके ऊपर हम लोग अभी दीपक जलाएंगे, वो भी मिट्टी का दिया है और इधर घर का घी है और ये है बाती। अभी सबसे पहले यहाँ दीपक जलाएंगे, उसके बाद ही घर के बाहर दीपक जलाएंगे। इधर हमारे चाची, इधर हमें बहन, इधर हमारे गुड़िया, और कैमरा देख के सब आ गई, इधर उधर काजल दीदी, और तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं। तो इधर दीपक रेडी है, 7 दिया इधर और 2 दिया इधर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में होंगे कि हम पूजा किसको कर रहा हूँ और कौन सा भगवान को मानता हूँ, तो आप सभी के मैं बता देना चाहता हूँ कि हम हिंदू हैं, और जो लाल कलर की जो टीका यहाँ पर दिया गया है, हमारे दादाजी बोलते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज मरे हैं उन सभी का स्थान यहीं पर है। तो सबसे पहले घर में पूजा होता है तो सबसे पहले पूर्वजों के सामने दीपक जलाया जाता है या फिर प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही हम लोग प्रसाद पाते हैं और उसके बाद फिर देवी देवताओं के पास पूजा होता है। तो सबसे पहले हम लोग घर के जितने भी पूर्वज हैं और इनके सामने दीपक जलाता हूँ, उसके बाद ही बाहर दीपक जलाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग भूत का ही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है, ये हमारे पूर्वज हैं और ऐसे भी साधु संतों ने बोले भी हैं कि सबसे पहले माँ बाप को पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने पूर्वजों को पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे का कार्यक्रम करते हैं। तो फाइनली जैसे यहाँ पर दीपक जला दिया हूँ, आप चलते हैं दूसरी तरफ, और इतना सारा अभी दीपक बचा हुआ है। तो यहाँ जलाना है खुटावा बाबा, और तो यहाँ पर भी दीपक जलाना है, तो यहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, दीपक जलाना है जी। जला रहे हैं दीपक, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि हिंदू धर्म में पीपल पेड़ के अलावा हर एक पेड़ को भगवान मानते हैं। तो लड़का ना कैमरा देके भाग गया, मामा जला दिए हैं। जय पीपल भगवान, जय ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गैस अभी आ चुके दूसरा जगह दीपक जलाने के लिए, और अभी हम जलाएंगे नहीं, मामा जी जलाएंगे, और इधर जला रहे हैं वो भी कुइयां के पास, क्योंकि गंगा माँ नीचे हैं तो गंगा माँ को भी दीपक जलाना जरूरी है, दीपक और अगरबत्ती। तो इधर दीपक भी जल गया है, अब अगरबत्ती जलाएंगे, उसके बाद फिर पूजा समाप्त, उसके बाद आराम से खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर आराम से सो जाएंगे, और फिर कल है दीपावली तो कल तो धमाका 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 होगा। मैं कपड़ा भी धोकर घाट दिया था इधर और इधर, तो सारा सूख गया है, तो अब इसे उठाकर घर ले चलते हैं। तो फाइनली अभी खाना वाना खाकर आ चुका हूँ रूम, अभी जस्ट लेटा हूँ, और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द नए जर्नी पर जाने वाला हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि मैं नए जर्नी पर जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ तो बताया नहीं, लेकिन छठ पूजा के बाद 9-10 को निकलने वाला हूँ, ये 2 दिन में कभी भी निकलने वाला हूँ नए जर्नी पर, 98% जाने वाला हूँ, 2% गारंटी नहीं है, क्योंकि कल क्या होगा, किसने क्या देखा है, कौन कौन जाने वाला हूँ आपसे को पता चल ही जाएगा। फिलहाल सोच रहा हूँ कि इसका मजा अलग है, देखते हैं कोई और मिल जाएगा तो चलेंगे साथ में। फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक लव यू एंड राधे राधे।